हमारे मेन कैरेक्टर एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा हेट करते थे। स्लोली स्लोली ये हेट प्यार में बदल जाती है। इसके पीछे एक सीक्रेट था, क्या ये सीक्रेट इनके प्यार को बर्बाद कर छोड़ेगा, या हम आज के हमारी मूवी द हिटिंग गेम 2021 की एक रोमांटिक कॉमेडी हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर्स लूसी और जोशुआ को ऑफिस में एक दूसरे के डेस्क के सामने बैठा हुआ देख सकते हैं। जो चीज लूसी कर रही थी ये उसे अनॉय करने के लिए जोशुआ भी कर रहा था। एक्चुअल में पहले सिर्फ लूसी का ऑफिस हुआ करता था, उसकी कंपनी उतनी ज्यादा प्रॉफिट में चल नहीं रही थी, तो इसी वजह से जोशुआ की कंपनी के साथ उनका मर्जर हुआ। लूसी की कंपनी के इथिक्स बहुत ही अच्छे थे और जोशुआ की कंपनी सिर्फ पैसों के पीछे भागती थी। लूसी और जोशुआ टोटली अपोजिट कैरेक्टर है और इसी वजह से दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं, हमेशा एक दूसरे को अनॉय करने की कोशिश करते रहते हैं। एक दूसरे को कॉपी करते हुए लूसी ने अपनी लिपस्टिक लगाई, जोशुआ इसे कॉपी नहीं कर सकता था, इस बात से वो चिढ़ जाता है। जब फर्स्ट टाइम इनके ऑफिस जुड़े थे तो लूसी ने जोशुआ को अपना फ्रेंड बनाने की बहुत कोशिश की थी, पर जोशुआ ने कभी भी उसे भाव नहीं दिया। वो हमेशा ब्लू और ग्रे कलर के शेड में कपड़े पहनता रहता है, जो लूसी को अच्छा नहीं लगता। लूसी के अलग अलग कलर जोशुआ को भी अच्छे नहीं लगते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी अपने बॉस हेलन से बात करती है। टीम बिल्डिंग के लिए एक एक्सरसाइज वो करने वाली थी जिसमें लोग बुक्स पर डिस्कस करेंगे। ये आइडिया जोशुआ को उतना अच्छा नहीं लगता। इनकी मीटिंग हुई जहां पर अनाउंस किया जाता है यहाँ मैनेज करने के लिए एक आदमी को हम अपॉइंट करने वाले हैं। अब इस जॉब पोजीशन के लिए लूसी और जोशुआ इन दोनों में बहुत ही कड़ी कंपटीशन थी। इस जॉब के लिए कमिटी बैठेगी और इन दोनों को उनके लिए प्रेजेंटेशन क्रिएट करना पड़ेगा। जोशुआ ने कहा कि अगर मैं तुम्हारा बॉस बन गया तो इस तरीके के कपड़े मैं तुम्हें नहीं पहने दूंगा। लूसी कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही उटपटांग से कपड़े पहनाऊंगी। ये दोनों रियलाइज करते हैं कि अगर किसी को भी इनमें से जॉब मिल गया तो दूसरे का जीना खराब हो जाएगा। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर किसी को भी जॉब मिलता है तो दूसरा रिजाइन कर देगा। लूसी को एक बुक दिखाने के लिए वहां का ग्राफिक डिजाइनर डैनी आता है। डैनी उसका एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। जोशुआ के बॉस ने इस कवर के लिए इनपुट दिए थे जो लूसी को बहुत ही घटिया लगते हैं। लूसी की एक डिलीवरी आई थी जिसमें वो स्मर्प की सीटी बना रही थी। इस बात पर जोशुआ बहुत हंसता है। जोशुआ ने कहा कि डैनी शायद तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था। लूसी ने कहा कि फ्लर्टिंग करने का ट्राई तुम करते हो, वो नहीं कर रहा था। जोशुआ इस पर हंस देता है और कहता है कि तुमसे मैं कभी फ्लर्ट नहीं करूंगा। जोशुआ कहता है कि एक्चुअल में उसके बॉस का कवर उतना अच्छा नहीं था, वो भी आजकल वो बुक पढ़ने का ट्राई कर रहा है पर वो बहुत ही बोरिंग है। लूसी को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो बुक उसकी फेवरेट थी। एचआर लिफ्ट में इनके साथ घुसी तो तब भी ये दोनों झगड़ ही रहे थे। वो कहती कि तुम दोनों की बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट आती है। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हम मिलकर टीम वर्क करते हैं। लूसी का काम में सब कुछ टाइम चला जाता है तो किसी को डेट करना है उसके लिए बहुत ही हार्ड है, और यही चीज उसने अपनी मदर से कही। मदर ने कहा कि तुम हमेशा जोशुआ के बारे में बात करती रहती हो। लूसी ने कहा कि मैं कभी भी उसे डेट नहीं कर सकती। आज रात जब वो सोई तो उसे जोशुआ के सपने आए और इस बात से वो बहुत ही चिढ़ जाती है। उसने डिसाइड किया कि वो भी जोशुआ के माइंड में घुसकर रहेगी। अगले दिन वो एक बहुत ही अच्छा सा ड्रेस पहन कर आई पर घुसते ही नीचे गिर जाती है। जोशुआ ने कहा कि आज तुम्हें हुआ क्या है। लूसी कहती कि कल रात मुझे एक बहुत ही अजीब सा सपना आया था। जोशुआ कहता है कि क्या वो मेरे बारे में था। लूसी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक कोवर्कर के बारे में था और वो डैनी का नाम झूठ मूठ से बता देती है। जोशुआ को जेलस फील कराने के लिए उसने कहा कि आज मेरी डैनी के साथ डेट है। जोशुआ इस पर बहुत हंसा क्योंकि उसे पता था कि ऐसी कोई भी डेट उसने प्लान नहीं की है। लूसी खुद अपने वर्ड्स में फंस गई और डैनी के पास चली गई। डैनी के आज रात अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान थे पर लूसी कहती है कि मुझे सिर्फ आज रात ही टाइम है, बाद में मुझे बहुत समय तक कोई भी टाइम नहीं मिलने वाला। डैनी कुछ एडजस्टमेंट कर उसके साथ आने के लिए मान गया। लूसी जोशुआ के प्रेजेंटेशन का आइडिया देखने का ट्राई करती है पर उसमें उसे अलग ही साइंस मिले। लिफ्ट में जोशुआ से कहता है कि बाहर बारिश हो रही है, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ सकता हूँ। लूसी इसके लिए मना करती है। जोशुआ ने कहा कि हम दोनों कर क्या रहे, हमेशा एक दूसरे को हेट करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते रहते हैं। ये बताते हुए वो उसके करीब आ गया था। लूसी ने उसे किस कर लिया। इस किस के बाद वो दोनों ऑकवर्ड हो गए थे। जोशुआ ने पूछा कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। लूसी कहती कि अब भी मुझे डेट पर जाना पड़ेगा। ये बात जोशुआ को अच्छी नहीं लगी, उसे ड्रॉप कर देता है और वहां से चला गया। डैनी से मिलने के बाद डेट पर लूसी उसी बुक के बारे में बात कर रही थी। डैनी को बुक थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगती। जोशुआ थोड़ी देर में वापस आ गया। लूसी ने उसे यहाँ आने से मना किया था पर जोशुआ कहता है तुम अपनी पर्स भूल गई थी, हम दोनों की रिलेशनशिप कभी भी वर्क नहीं करेगी। डैनी ने उन्हें देखा और वो लूसी से पूछता है कि क्या तुम दोनों में कुछ चल रहा है। लूसी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों फिर डेट पर एक दूसरे को जानने लग गए। जिस जगह से लूसी थी वहीं से डैनी भी था। उन दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन थी। डैनी जरा ऑकवर्ड जरा फनी भी था, इस वजह से डेट बहुत ही अच्छी गुजरती है। डेट के बाद अगले दिन वो उसके लिए फूल भी भेजता है जो लूसी को बहुत अच्छे लगे। अगले दिन जोशुआ जब काम पर आया तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि रात भर वो सोया नहीं।
लूसी से कहता है हम दोनों को इस तरीके से एक दूसरे को हेट नहीं करना चाहिए। लूसी भी इस बात को एग्री करती है। लूसी ने कहा कि हम दोनों को बाकी कोवर्कर की तरह बिहेव करना चाहिए। हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, एक दूसरे से अच्छी बात कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में चीजें नॉर्मल हो ही रही थी तभी लूसी की बॉस हेलेन आ गई। वो कहती कि तुम्हारे साथ जोशुआ ने भी टीम बिल्डिंग के लिए एक प्रपोजल दिया था, ये उसके बॉस को बहुत ही अच्छा लगा। उन दोनों ने बेट लगाई थी और इसी वजह से जोशुआ का बॉस जीत गया और उसी वजह से जोशुआ का आइडा पिक कर लिया जाता है। ये आइडा लेजर टैग की तरह गन फाइट की थी। लूसी इस आइडा से जोशुआ पर इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई कि उसे लग रहा था कि उसे मार ही डाले, पर ऐसा कुछ भी कर दी नहीं। मैच के पहले लूसी की एक कोवर्कर उसे बात करती है। उसने कहा कि मेरी एक नेफ्यू है, उसे तुम इंटर्नशिप दे दो। ये एक ऐसी एम्प्लॉई थी जो लूसी की कोई भी बात उतनी ज्यादा सीरियसली लेती नहीं थी। उसके नेफ्यू को इंटर्नशिप देना मतलब बड़ा ट्रबल हो सकता था, पर लूसी मना नहीं कर पाती। जोशुआ इस वरा सा और वो कहता है कि तुम्हारा इतना अच्छा होने से भी कोई भी फायदा नहीं होने वाला। लूसी इस गेम में जोशुआ को हराना चाहती थी, पर वो दोनों एक ही टीम में थे। दोनों टीम बहुत ही अच्छी खेल रही थी। जोशुआ जानबूझकर डैनी को ही मारता है। जोशुआ के साथ खेलकर लूसी जरा अनॉय हो गई और किसी को भी मारने लग गए और इसमें वो इंजर्ड हो जाती है। जोशुआ ने उसे चेक किया तो रियलाइज करता है कि लूसी को टेम्परेचर है। उसे वो घर लेकर गया। घर जाते जाते उसकी हालत और भी खराब हो गई थी, तो उसका अच्छे से वो ख्याल रखता है। इस तरीके से जोशुआ को अपने घर में लाना है उसे बहुत ही एम्बैरेसिंग लगा। लूसी का जोशुआ बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, उसका टेम्परेचर नीचे नहीं आ रहा था, तो जोशुआ ने अपने ब्रदर पैट्रिक को बुला लिया जो एक डॉक्टर था। लूसी कहती कि तुम दोनों ब्रदर तो बहुत ही हैंडसम हो। उसने पैट्रिक से कहा कि बचपन में तुमने जोशुआ को बहुत मारा होगा। पैट्रिक को इंस्टेंटली लूसी बहुत अच्छी लगी। पैट्रिक उसे मेडिसिन वगैरह देता है। उसने जोशुआ से कहा कि तुमने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, तुम्हें भी डॉक्टर बन जाना चाहिए था। पैट्रिक की शादी है तो उसे पूछता है कि तुमने अब तक इन्विटेशन में कुछ भी लिखा नहीं है, क्यों अकेला आ रहा है या किसी के साथ आ रहा है। पैट्रिक ने उसे समझाया कि तुम्हें मेरी शादी में आना ही पड़ेगा। ये सब बातें लूसी सुन रही थी। जोशुआ जब उसके पास था तो लूसी कहती कि जब मैं बीमार होती थी तब बचपन में मेरी मदर मुझे वाटरमेलन जूस देती थी। जोशुआ ने कहा कि मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, वो हमेशा बिजी होते थे। जोशुआ ने फिर से शर्ट चेंज कर लिया था तो लूसी ने कहा कि तुम बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो, तुम कभी भी मुझे सरप्राइज नहीं करते, पर लिफ्ट में तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया था। जोशुआ उसे जिस तरीके से देख रहा था लूसी को बहुत ही अच्छा लगता है। अगली सुबह उठी तो जोशुआ ने उसके पूरे घर की साफ सफाई कर दी थी। वो कहती कि यह सब बहुत ही वियर्ड है और इसका तुम मुझसे बदला लोगे। जोशुआ ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गुस्सा होकर वो चला जाता। वो ऑफिस में आई और डैनी उससे बात कर रहा था, आज रात डेट के लिए उससे पूछ लेता है, तो जोशुआ को ये बात पसंद नहीं आती। लूसी को उसकी मदर जो जूस देती थी ये जोशुआ ने उसे गिफ्ट किया था। वो आज गुस्सा होकर फिर से उसे इग्नोर करने लग जाता है। उसने कहा कि जोशुआ के पास बहुत ही अच्छी डिग्री है, लूसी का उसके साथ जॉब के लिए कम्पीट करना है बहुत ही हार्ड है। हेलेन ने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे बिना भी पूरा ऑफिस तुम चला सकती हो, मैं वैसे भी तुम्हें प्रमोट करने ही वाली थी, अपने आप पर बिलीव करो और अच्छा काम करो। जोशुआ को एज ए सॉरी वो स्ट्रॉबेरी देती है। उसने कहा कि तुम्हारे फेवर के लिए मैं कुछ भी करूंगी, तुम्हें अपने ब्रदर की शादी में जाना है तो मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। जोशुआ उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था तो जबरदस्ती उसे वो क्लोजेट में लेकर गए। जोशुआ ने कहा कि तुम इस तरीके से मेरे साथ खेल नहीं सकती, मैं तुम्हारी सेकंड चॉइस नहीं बनना चाहता, आज तुम डैनी के साथ डेट पर जाओ और देखो कि क्या तुम्हें उसके साथ रहना है। डैनी के साथ डेट पर जाने के बाद लूसी उसे किस करती है। जोशुआ ने पूछा कि तुमने क्या डिसाइड किया। लूसी कहती कि अब मैं उसे डेट नहीं करने वाली। वो दोनों किस करते हैं और लूसी ने कहा कि तुम्हारे जैसा मुझे और कोई किस नहीं कर सकता। सब कुछ इतना साफ देख कर वो सरप्राइज्ड हो जाती है। जोशुआ की मेडिकल की बुक्स भी उसे मिली। उसका बेडरूम देखती है और उसे पूछती कि तुमने डॉक्टर बनना क्विट क्यों कर दिया। जोशुआ ने कहा कि एक बार मैं मेरे फादर के साथ हॉस्पिटल में गया था, उसे उल्टी आ गई थी, उसके बाद से उसने डिसाइड कर लिया कि वो डॉक्टर नहीं बनने वाला, पर ये बात उसके फादर को अच्छी नहीं लगती, उन दोनों में बहुत अट्रैक्शन था, तो लूसी कहती है कि हम दोनों को इंटीमेट हो जाना चाहिए। जोशुआ इस बात के लिए मना कर देता है। लूसी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उस पर जरा अपसेट थी। जोशुआ का बॉस उसे एक बड़े प्रोडक्शन के बॉस से मिलाता है, उसे उस जॉब के लिए रिकमेंड करने वाले थे। लूसी ये देखकर कंपटीशन में पीछे नहीं रहना चाहती थी, वो भी रिकमेंडेशन के लिए बहुत ट्राई करती है। नेक्स्ट टाइम जब वो डैनी से मिली तो डैनी पूछता है क्या हम दोनों में कुछ भी हो सकता है। लूसी ने कहा कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती और डैनी इस बात को मान जाता है। वो बेचारा ऑलरेडी बहुत बार फ्रेंड जोन हो चुका था। जोशुआ अपने ब्रदर की वेडिंग से पहले लूसी को लेने के लिए आ गया। उसने उसका ख्याल रखा था तो लूसी मना नहीं कर पाती। लूसी कहती कि अपने फैमिली के बारे में मुझे बताओ। जोशुआ ने कहा कि मेरी मदर को तुम बहुत पसंद आओगे, पर मेरे फादर जरा कॉम्प्लिकेटेड है। ये होटल में पहुंचते और सेपरेट रूम वो लेने वाले थे, पर ये अवेलेबल नहीं थे तो एक ही रूम में उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। लूसी डिनर के लिए रेडी हो रही थी तो जोशुआ शावर से बाहर निकला। वो दोनों करीब आ गए थे तो इंटीमेट हो जाते हैं।
जॉशुआ कहता है कि आज रियल सर डिनर के लिए नहीं चलते। लूसी कहती कि लोगों के लिए हमें जाना पड़ेगा वरना वो हमें लाइक नहीं करेंगे। जॉशुआ कहता है कि हमें लोगों के लिए नहीं जीना चाहिए। लूसी पूछती कि एक बार मैंने तुम्हारा डेस्क चेक किया था, उस पर अलग अलग साइंस बने थे, वो किसके थे? जॉशुआ कहता है कि जब भी हमारी फाइट होती है तो मैं एक साइन बनाता हूँ, जब भी मुझे तुम्हारी ड्रेस अच्छी लगती है तब मैं एक साइन बनाता हूँ। लूसी को ये बात बहुत ही अच्छी लगी। अगली दिन वेडिंग में लूसी जॉशुआ की मदर से मिली और मदर को लूसी बहुत ही अच्छी लगी। लूसी ने ब्राइड को देखा तो कहती कि पैट्रिक की चॉइस बहुत ही अच्छी है। इस बात से जॉशुआ जरा ऑकवर्ड हो गया। वेडिंग पार्टी में ब्राइड, जिसका नाम है मिंडी, ये लूसी से बात करती है। वो कहती कि मैं जॉशुआ को डेट करती थी, उस वजह से पहले चीजें ऑकवर्ड थी पर अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लूसी के लिए बात सरप्राइज थी। उसे पूछती कि तुम दोनों कितने टाइम तक डेट कर रहे थे? मिंडी ने कहा कि एक साल तक। लूसी ये सुनकर और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो गए, इस वजह से मिंडी वहां से चली गई। लूसी ने जॉशुआ से पूछा, तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं थी? जॉशुआ ने कहा कि ये बहुत ही एम्बेरसिंग था। जब मिंडी पैट्रिक को डेट करने लग गए तो मेरी फैमिली को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, वैसे भी वो सब लोग मुझे लूजर समझते हैं। लूसी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मिंडी और पैट्रिक को एम्बेरस होना चाहिए था। वो फिर से पार्टी ज्वाइन करते हैं और जॉशुआ अपने फादर के साथ बात करने लग गया। जॉशुआ की मदर लूसी से कहती है कि जब मिंडी और जॉशुआ का ब्रेकअप हुआ था तो मुझे लगा था कि जॉशुआ अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है, पर अब मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ पर जॉब लेना ये उसके लाइफ का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। उतना खुश मैंने किसी के साथ भी उसे नहीं देखा। जॉशुआ के फादर उसे इंसल्ट करने लग गए थे, उन्हें लगता था कि जॉशुआ का काम बहुत ही घटिया है। लूसी जॉशुआ की साइड लेती है, उसने कहा कि जॉशुआ वहाँ पर बॉस है, उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसके बिना ऑफिस में कुछ भी नहीं हो सकता, वो भी अपनी खुद की स्किल से लोगों की लाइफ में डिफरेंस बनाता है, इसके लिए उसे डॉक्टर होना यही एक वे नहीं था, उसका जॉब भी बहुत अमेजिंग है। जॉशुआ को यह सब सुनना बहुत ही अच्छा लगा। जॉशुआ लूसी से कहता है कि कोई भी लड़की मुझे सीरियसली लेती नहीं, वो सिर्फ कुछ रातों के लिए मेरे साथ रहती है और बाद में मुझसे ब्रेकअप कर लेती है। लूसी कहती कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। जॉशुआ ने कहा कि मैं भी तुम्हें बहुत पहले से लाइक करता था और इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूँ। उसे घर लेकर गया और बेडरूम की वॉल को नोटिस करने के लिए कहा। वो कहता है कि ये वॉल और तुम्हारी आंखों का कलर, ये दोनों चीजें मैच करती है। वो उसे आई लव यू कहता है। लूसी को रियलाइज हुआ कि जिस तरीके से दोनों बहुत झगड़ते हैं, इससे उनकी रिलेशनशिप कभी भी वर्कआउट नहीं कर पाएगी। एक ही जॉब पोजीशन के लिए वो कम्पीट कर रहे थे तो ये भी एक ट्रबल था। जॉशुआ कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से जानता हूँ, तुम टेंशन में होती तो अपने लिप बाइट करती हो, अब भी तुम बहुत डर रही हो, पर इन सब चीज़ों को हम फेस कर सकते हैं। ये दोनों फिर इंटीमेट हो गए। अगले दिन लूसी जब जॉशुआ का डेस्क देख रही थी तो उसने जॉशुआ और उसके बॉस के बीच में कन्वर्सेशन सुन ली। बॉस पूछता है कि हमारा प्लान कैसे चल रहा है, क्या तुम लूसी के करीब आ गए हो? क्योंकि जॉशुआ सिर्फ जॉब पाने के लिए उसके साथ करीबिया बना रहा था। लूसी को ढूंढते हुए जॉशुआ लाइब्रेरी में गया तो लूसी डैनी के साथ बात कर रही थी, उसके साथ कॉफी पीना चाहता था पर लूसी उसे इंसल्ट कर देती है। बाद में जॉशुआ कहता है कि तुम डैनी को डेट नहीं करने वाली थी, तुमने मुझसे झूठ कहा। लूसी इस बात पर गुस्सा हो गई और जॉशुआ और उसके बॉस के बात को लेकर उसे कन्फर्ट करती है। इसके बाद लूसी अपने प्रेजेंटेशन पर बहुत काम करती है। उसकी इंटरव्यू के पहले उसके कोवर्कर ने उसके साथ बात की, ये वही अनोइंग कोवर्कर थी। इस बार लूसी उसकी बात मानने से पूरी तरीके से इनकार कर देती है, वो सिर्फ लोगों को अच्छा ट्रीट करने के लिए कुछ भी सहन नहीं कर सकती। लूसी के फ्रेंड्स उस पर प्राउड थे, उसने एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रेजेंटेशन दिया। जब इसका रिजल्ट आया तो सब लोग जॉशुआ को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। जॉशुआ लूसी के पास आकर कहता है कि लूसी से अच्छा इस ऑफिस को कोई भी संभाल नहीं सकता और उसने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। एक्चुअल में जॉशुआ को एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब मिल चुका था और लूसी यहाँ की हेड बन गई थी। जॉशुआ के बॉस ने उसे उसके साथ करीबियाँ बढ़ाने के लिए कहा था पर जॉशुआ ने कभी भी उसकी बात मानी नहीं थी। लूसी को जब ये बात पता चली तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ थे। लूसी हमसे कहते हैं कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो एक दूसरे को हेट भी करते हैं पर फिर भी उसके पीछे प्यार ही होता है। वो दोनों कितना भी झगड़े फिर भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब जॉशुआ एक अलग पब्लिशिंग में था, फिर भी एक दूसरे से उनकी झगड़ा होता ही रहता था तो लूसी के क्लाइंट चुराने का वो बहुत ट्राई करता है। अब भी इन दोनों के बहुत झगड़े होते थे पर फिर भी एक दूसरे से वो बहुत प्यार करते हैं। इस एक ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।